चौथी बार अगर आपको टिकट मिला है और आप जीत जाते हैं तो आप शायद हवाई अड्डा भी आप लेके आए हैं, मेडिकल कॉलेज लेके आए, एम्स वगैरह। उसके अलावा आप क्या क्या विज़न है आपके, आप क्या क्या करना चाहते हैं फ्यूचर? सर इस बार आपको टिकट मिल गया है, विधायक का चुनाव अगर आप जीत जाते हैं और आपकी सरकार भी बन जाती है तो क्या आपको मंत्री पद दिया जाएगा? सर आपको मुख्यमंत्री जी का करीबी माना जाता है, क्या ये जो टिकट आपको मिला है इसमें कोई आपको फ़ायदा हुआ टिकट मिलने में करीबी होने से मुख्यमंत्री जी के? सर एक सवाल मेरा यह है कि आप तमाम केस होने के बावजूद श्रीकांत राठौर साहब जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिला बदर कर दिया गया है और कहीं ना कहीं कुछ इल्जाम आप पे लग रहे हैं। वो किसी समय में आपके बहुत करीबी होते थे और कहते थे अगर शुक्ला जी विधायक बने तो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया जमीनी स्तर पर, तो ऐसा क्या हुआ कि वो आपसे बिल्कुल दूर हो गए? नमस्कार। सर आज आपको चौथी बार टिकट मिला है, इससे पहले दो बार आप विधायक रह चुके हैं बीजेपी में, एक बार बीजेपी से ही हार का सामना करना पड़ा और उससे पहले एक बार सपा का शायद आपको टिकट मिला था। चौथी बार अगर आपको टिकट मिला है और आप जीत जाते हैं तो आप शायद हवाई अड्डा भी आप लेके आए हैं, मेडिकल कॉलेज लेके आए, एम्स वगैरह। उसके अलावा आप क्या क्या विज़न है आपके, आप क्या क्या करना चाहते हैं फ्यूचर? देखिए हमने एक विज़न 2022 तैयार किया है जी, जिसमें हमारे पास अपने किच्छा विधानसभा के लिए एक रोड मैप है जी। हम किच्छा को एक आदर्श विधानसभा के साथ साथ एक विकसित और सुंदर और समृद्ध शहर बनाना चाहते हैं जी, और हर तरह की सुविधाओं से लैस करना चाहते हैं। इस बार हम सरकार में थे, हमारी सरकार केंद्र में भी थी, प्रदेश में थी जी, इसलिए मैंने स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत जोर दिया। सबसे पहले मैं किच्छा के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था उसको मैंने हर सुविधाओं से लैस किया जी। वहाँ पिछले 20 सालों से डॉक्टर नहीं था, सर्जन जी, सर्जन लेकर मैं आया। गायनी नहीं थी, गायनी लेकर आया। 14 डॉक्टरों की नियुक्ति कराई मैंने वहाँ। इसके अलावा जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे शांतिपुरी नारायणपुर, वहाँ डॉक्टर नहीं थे, वहाँ डॉक्टर की नियुक्ति कराई। किच्छा अस्पताल में मैंने वेंटिलेटर लगवाया, ऑक्सीजन प्लांट लगाया, डिजिटल एक्सरे लगाया, अल्ट्रासाउंड लगाया और उसको रेनोवेट कराया। और ये सारे पैसे मैंने प्राइवेट सेक्टर से खर्च कराए जी, एक रुपये भी सरकार खर्च नहीं होने दिया। साथ ही साथ मैंने भारत सरकार के सहयोग से जो रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज था, जो मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर है, जो पिछले 20 साल पहले घोषित हुआ था और उसका काम नहीं हुआ था, उसको मैंने इस साल 350 करोड़ रुपये भारत सरकार से दिलाए जी। और अभी हाल ही में हम एम्स भी लेकर आए हैं किच्छा के लिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे कुमाऊं को एम्स दिया है, 8000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। हाँ, तो उसमें करीब करीब उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। 8000 का तो नहीं था, 8000 कुछ 100 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं मेरे क्षेत्र जी, इसमें एम्स भी लगभग 2500 करोड़ का होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बना रहे हैं जी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो विश्व का 5वां होगा लंबाई चौड़ाई के क्षेत्र। इसके साथ साथ एजुकेशन के पॉइंट से हमने एक मॉडल डिग्री कॉलेज बनाया है अपने क्षेत्र में, बनाकर तैयार कर दिया, तीसरा बैच चल रहा है वहाँ। साथ ही साथ हम 300 एकड़ ज़मीन में एक कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार से हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जी, जिसमें एक ही कैंपस में 16 अलग अलग कॉलेज होंगे। तो चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या नगर पालिकाएँ बनाई तीन तीन, या नहर की कवरिंग करने के लिए सड़क पास कराई है 50 करोड़ की, या किच्छा नगला मार्ग को 54 करोड़ से चौड़ा कर रहे हैं, या किच्छा सतुईया मार्ग को अभी हमने अभी 38 करोड़ से उसको चौड़ीकरण हो रहा है जी, या शांतिपुरी रोड का, या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने सड़कों का जाल बिछाया क्षेत्र में। साथ ही साथ मैंने अपने क्षेत्र में फायर ब्रिगेड मंजूर कराई है, एक हाईटेक बस अड्डा हम बना रहे हैं, मुंसिफ कोर्ट नहीं थी वो मंजूर कराई है, जीएम कोर्ट लेकर आए, मतलब नाना प्रकार के प्रशासनिक और हर तरह की सुविधाएं से लैस करने का काम किया है। और आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि किच्छा में ये सब चीज़ें पूरी हों जी, जो पैसा जारी हो गया है उस पर काम हो जाए। साथ ही साथ जो गोला रिवर है हमारी, उस पर पुल तो हमने मंजूर करा लिया है, अब बनाना है उसको जी, 25 करोड़ मंजूर किए सरकार ने। फिर हम गोला के रिवर को, दोनों किनारों को रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं ताकि एक विकसित और सुंदर शहर दिखाई दे किच्छा। मेरा मकसद है कि किच्छा जो सबसे प्राचीन शहर था तराई का जी, जो कहीं ना कहीं पीछे रह गया जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा से, जब से किच्छा नई विधानसभा बनी है मैं लगातार वहाँ विधायक हूँ। दूसरी बार, पिछली बार सरकार से घोषणाएं कराई थी लेकिन सरकार हमारी थी नहीं, उसने पूरी किया नहीं। इस सरकार से जितनी घोषणाएं की वो पूरी कराई हैं और कुछ नई चीज़ें लेकर आए हैं। आने वाले टाइम में किच्छा को विकसित और सुंदर शहर बनाऊँ। सर इस बार आपको टिकट मिल गया है, विधायक का चुनाव अगर आप जीत जाते हैं और आपकी सरकार भी बन जाती है
तो क्या आपको मंत्री पद दिया जाएगा? आपको ऐसा लगता है या सरकार फिर से आपकी उपेक्षा करेगी, आपको मंत्रालय नहीं दिया? ये तो नहीं कह सकते कि उपेक्षा करेंगे या देंगे, ये तो हाईकमांड का और जो पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व उनको निर्णय लेना है जी सर। मेरा काम है काम करना और मैं लगातार काम करता हूँ और जो भी भूमिका में रहती है उस भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूँ। एक विधायक के रूप में मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है, अगर पार्टी कोई नई जिम्मेदारी देगी तो उसको भी उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। सर आपको मुख्यमंत्री जी का करीबी माना जाता है, क्या ये जो टिकट आपको मिला है इसमें कोई आपको फ़ायदा हुआ टिकट मिलने में करीबी होने से मुख्यमंत्री जी के? ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने तो एक बार ये कहा था कि जो जनता के साथ करीब होगा वही मेरा करीब है जी। तो अगर आप ये मानते हैं मैं मुख्यमंत्री करीब हूँ इसका मतलब मैं जनता के करीब, और जो जनता के करीब होगा वो मुख्यमंत्री का प्रिय भी होगा, पार्टी का प्रिय भी होगा और वो सफल भी होगा। सर एक सवाल मेरा यह है कि आप ये तमाम केस होने के बावजूद श्रीकांत राठौर साहब जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिला बदर कर दिया गया है और कहीं ना कहीं कुछ इल्जाम आप पे लग रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं मुझको कोई इल्जाम नहीं लग रहा, उनकी पत्नी ने बयान दिया, मुझे लगता है कि वो राजनीति के टिकट के दौड़ में थे तो उस बयान से सहानुभूति लेना चाहती होंगी, लेना चाहते होंगे। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, ना मेरा रोल है इसमें, और मेरे इन्हीं को नहीं पार्टी के तमाम लोगों को रुद्रपुर में जसपुर में कई जगहों पर जी उन पर पार्टी के वरिष्ठ लोगों पर जो पार्षद हैं या कोई और जिनकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है उन सब पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब इन पर ये मुकदमा लादा गया था तब कांग्रेस का राज था और उस समय जो लोग इनको चढ़ा रहे हैं या इनसे बयान दिलवा रहे हैं वो लोग कोई की मदद में नहीं आए थे, तब मैं ही इनकी लड़ाई में आया था। और ये 2014 की बात है, मेरे पास उस समय की फेसबुक का लाइव भी दिखा दूंगा आपको, वीडियो भी जी जी, कि मैंने इनके लिए कलेक्ट्रेट में धरना दिया था, संघर्ष किया था, विधानसभा में सवाल उठाया था, लड़ाई लड़ी थी और मैंने उस समय कहा था कि इन पर झूठा मुकदमा लगाया गया है, श्रीकांत राठौर किसी मस्जिद में सूअर का मांस रखने जैसा काम नहीं कर सकते जी। लेकिन कांग्रेस शासन में इन पर मुकदमा लाद दिया गया, अब चूँकि वो कोर्ट विचाराधीन है, अब उस बिना पर अगर किसी कोई कार्रवाई हुई है तो वो ठीक नहीं हुई है। मैंने खुद उसकी निंदा की है, मैंने उच्च अधिकारियों से भी कहा है, मुख्यमंत्री से भी कहा है, अब मुझ पर आरोप लगा रही हैं, वो क्यों लगा रही हैं? मुझे लगता है कि वो टिकट मांग रहे हैं विधायक का, उन्होंने को लगा कि सबको सहानुभूति मिल जाएगी, लेकिन इन बातों में सहानुभूति नहीं मिली। सर अभी उन्होंने उनका मैंने दो इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ 3500 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है। अच्छी बात है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन वोट लेने के लिए किया था? नहीं ऐसा नहीं, वो समाज समाज सेवी के रूप में करता रहता, हमने तो बहुत काम किए होंगे, मैं गिनाता नहीं हूँ, पता नहीं कितने लोगों को व्हील चेयर बांटी होंगी, कितने लोगों को ट्राईसाइकिल दी होंगी, कितने लोगों के ऑपरेशन कराए होंगे, कितने लोगों की सेवा में खड़े होंगे, कितने लोगों शादी ब्याह कराए होंगे, ये सब हम लोग इसलिए कराते हैं क्या कि हमें कोई वोट दे? बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं तो समाज सेवा या तो अपने समाज सेवी मत कहो, समाज सेवी कह रहे थे इसे क्या गिना रहे हो, अच्छी बात है कराया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक बात सर वहाँ पे और निकल के आई थी उस इंटरव्यू में कि वो किसी समय में आपके बहुत करीबी होते थे और कहते थे अगर शुक्ला जी विधायक बने तो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया जमीनी स्तर पर, तो ऐसा क्या हुआ कि वो आपसे बिल्कुल दूर हो गए? क्यों बता सकते? अच्छा मैं तो उनको दूर मानता नहीं हूँ, वो तो ही बता पाएंगे क्यों दूर हो गए। मैं तो उनको नगर अध्यक्ष बनवाया, उनको जिला अध्यक्ष बनाया, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उनको झूठा मुकदमा लगा तब लड़ा, अब कोई उनको किसी ने कहा होगा तुम विधायक बन सकते हो, शुक्ला के साथ रहोगे नहीं बन पाओगे जी, अलग हो जाओगे टिकट मिल जाएगा बन जाओगे, इसलिए वो अलग हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी से अलग नहीं है और वो मुझे लड़ाएंगे चुनाव, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, मैं उनके घर गया भी था और जाऊँगा भी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, थैंक यू। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे श्री राजेश शुक्ला जी, अब चौथी बार टिकट मिला है भाजपा से, देखते हैं क्या होता है, वो तो जनता ही तय करेगी आगे क्या होगा। बहुत अच्छा।